Presenting Ant Play, India's first cloud gaming service. Get access to high-end virtual Windows PC and take your work and HD gaming anywhere, anytime, and on any device. Choose from a range of flexible plans to meet your needs. Check the link in the description to learn more. Hello guys, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स के MK 1300 Mini का, जो एक 60% लेआउट वाला एक बजट एंट्री लेवल कीबोर्ड है ये कीबोर्ड रिप्लेसमेंट है उनके पुराने एम के ट्वेल्व हंड्रेड मिनी का एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे हंड्रेड मिनि को तो आए हुए टाइम हुआ नहीं था तो अब ये थर्टीन हंड्रेड मीनी क्यों आ गया रिप्लेसमेंट के लिए वाले इसके कई सारे रीजन है उनके बारे में लोग आगे बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये कीबोर्ड बोर्ड कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं तो काफी कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए तो बिना किसी देखे लेट्स के तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजाइन की एंड द डिज़ाइन इज ऑनेस्टली इट्स सिमिलर टू ऑलमोस्ट एवरी अदर सिक्सटी परसेंट कीबोर्ड आउट इन द मार्केट डेडिकेटेड एरो की नहीं है आपको फंक्शन दबा के एरो कीज यूज़ करनी पड़ेगी और ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए एंड गेमिंग uh, के अलावा कुछ भी ऐसे कोई दूसरी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते रेगुलर बेसिस पे सिक्सटी परसेंट इज अ लिमिटेड लेआउट इन माय ओपिनियन एंड 75 परसेंट उसके आसपास या टी के वो ज़्यादा बेटर कन्फिग्रेशन रहता है लेकिन ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आप इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं दैट्स कंप्लीटली फाइन तो हम लोग बात करते हैं मटीरियल्स की द मटीरियल इज प्लास्टिक एंड जो कीज है वो एक्चुअली माउंटेड है एक मेटल बैक प्लेट के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे यूएस टाइप सी कनेक्शन है जो अच्छी चीज़ है यू एस बी टाइप सी फ्यूचर तो कब का हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ कई जगहों पर तो इट्स नाइस टू सी है इन दिस बजट सेक्शन यहाँ पर आपको ब्रिडेड यू एस बी केबल मिलती है एंड इट्स ऑफ डिस क्वालिटी फाइन है ठीक है चल जाता है बजट काम में चल जाएगा अब सबसे बड़ा जो चेंजेस है 1200 मिनी और 1300 मिनी के बीच में वो है इसके स्विचेस बिकॉज पुराने वाले जो स्विचेस थे वो जिक्सियन के थे एंड दीज आर आउट स्विचेस जो टेक्निकली ऑन पेपर ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से इनको अपने स्विचेस चेंज नहीं करने चाहिए थे या फिर अगर स्विचेस चेंज कर, कर भी रहे थे तो अपने स्टेबिलाईजर्स खराब नहीं करने चाहिए जो स्विचेस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा टेंजेबल डिफरेंसेस नहीं है आप दोनों को रख दो सामने आपको सेम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा सेम ऑलमोस्ट सिमिलर स्मूथनेस बिकॉज दोनों ही एक चाइनीस है ऑफ द स्विचेस लेकिन जो फर्क आता ना एक्चुअल फर्क आएगा वो आएगा स्टेबिलाईर्स ट्वेल्व वर मिले थे मतलब वो शांत थे ज़्यादा आवाज ज्यादा रैटल नहीं करते थे लेकिन थर्टीन हंड्रेड के साथ स्टेबलाइजर काफी ज्यादा लूज फील होता है इसका जो मेटल बार है बेसिकली वो काफी ज्यादा लूज फील होता है अगर मुझे सिर्फ इनमें से एक कीबोर्ड चूज करना पड़ता जस्ट बिकॉज ऑफ द स्विचेस या फिर टाइपिंग एक्सपीरियंस तो एक्चुअली ट्वेल्व हंड्रेड मिनी चूज करूंगा तो कितना ज्यादा डिफरेंस है वेल well, उसका ये रहा है एग्जाम्पल साउंड टेस्ट में एंड uh, इसको ऑब्वियसली मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं लेकिन जो बंदे ये कीबोर्ड खरीद रहे हैं वो ऑनिस्टली स्पीकिंग लाइक 90% परसेंट ऑफ द यूजर्स वोट भी अपग्रेडिंग दिस कीबोर्ड एनी टाइम वोट हम लोग अभी दूसरे चेंज की बात करते हैं जो मेरे ख्याल से इट्स इट्स नॉट अ वेरी बिग चेंज लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जरूर इफेक्ट कर सकता है और मैं बात करूँ इसके फीट की जो पुराना 1200 हंड्रेड मिन था वहाँ पे एडजस्टेबल फीट थे जो दो स्टेप वाले एडजस्टेबल फीट थे जो कुछ कुछ महंगे कीबोर्ड्स में भी अवेलेबल नहीं होते लेकिन 1300 हंड्रेड मिली में उन्होंने एक तो छोड़ो उन्होंने एक भी नहीं एडजस्टेबिलिटी रखी यहाँ पे कोई फीट नहीं है यहाँ पर सिर्फ चार छोटे छोटे रबर पैड्स हैं जो इस कीबोर्ड को स्टेबिलिटी देते हैं लेकिन एडजस्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहती है अब मैं ये नहीं कर रहा इसमें टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज इसका जो टाइपिंग एंगल है ना वो वो है काफ़ी और आपको कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट एक लेवल अप तो देना चाहिए बिकॉज कुछ लोग में भी उनके टाइपिंग प्रेफरेंसेस अलग हो अगर हम लोग लेआउट की बात करें तो लेआउट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है दोनों ही कीबोर्ड में जो फंक्शन की है वो बिल्कुल राइट साइड में प्लेस है एंड ये लेआउट थोड़ा सा आपको टाइम लगता है यूज टू होने बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा फिंगर जिमनास्टिक्स करनी पड़ेगी फंक्शन की को प्रेस करते हुए अपने शॉर्टकट्स वगैरह एक्सेस करने में लाइक मीडिया कंट्रोल्स वगैरह बिल्कुल की के सेंटर में है आपके जो टॉप रो है फंक्शन कीज़ की उसके जो शॉर्टकट्स वगैरह है वो भी आपको प्रेस वगैरह करने में थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी जरूर पड़ती है बट दिस इज़ अ फ्रूट ऑफ द सिक्सटी uh, परसेंट मतलब वो उसी की वजह से हो रहा है दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट फॉरम अदर की लेकिन कुछ की में क्या है जो फंक्शन की प्लेसमेंट है ना वो थोड़ी ज्यादा सुपीरियर है वो थोड़ी ज्यादा स्पेस बार के पास आती है लाइटिंग की बात करें यहाँ पे फिक्स काइंड ऑफ लाइटिंग है यहाँ पे पर की आजीबी एलुमिनेशन नहीं है एंड uh, सच बताऊँ अगर ये बजट की है तो ये अगर जनरली होता ना तो मैं इतना कुछ नहीं बोलता लाइक इट्स अ बजट की प्रॉब्लम यह है कि जो कंपटीशन है ना इस टाइम पे वो आपको पर की इलूमिनेशन का ऑप्शन दे रही है मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कॉस्मिक बैट के जी के ट्वेंटी की जो पर की इलूमिनेशन का ऑप्शन देती है विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है बाइंग डिसीजन के लिए एंड वो ज़्यादा महंगा नहीं लाइक मुश्किल से सौ दो सौ महंगा है तो सिर्फ सौ दो सौ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर आज भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर यहाँ पे फिक्स लाइटिंग ऑप्शन है लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा जो लाइटिंग जो लाइट्स के कलर वगैरह है वो ब्राइट है ठीक है आप इनकी ब्राइटनेस स्पीड्स वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स की कैप्स ए बी एस प्लास्टिक के हैं इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इस बजट में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह मुझे ज्यादा कम्प्लेन नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि कीबोर्ड बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा ही रेटल ले। है लेकिन कंपेयर टू द ट्वेल्व हंड्रेड में नहीं ये थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर फील होता है स्पेशली द स्टेबलाइजर्स सो सॉरी फॉर द सेटअप चेंज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो ये कीबोर्ड है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड रुपीज़ के आसपास एंड ये लोकली भी अवेलेबल हो सकता है जो इसके पास एक अच्छा एडवांटेज है बिकॉज जनरली ऐसे जो सस्ते बजट की बोर्ड वगैरह वो लोकली अवेलेबल नहीं होते अगर मैं इसकी बोर्ड के की वैक्यूम में बात करूँ लाइक ना किसी दूसरे की बोर्ड से कंपेयर ना करूँ ना ये की बोर्ड नहीं है लाइक फॉर द प्राइस इट्स यूजेबल हाँ इसमें मे बी सबसे बेस्ट आज भी फंक्शन नहीं है लेकिन फॉर द बेसिक फंक्शनैलिटी मतलब आपको सिर्फ एक बेसिक बजट सिक्सटी परसेंट गेमिंग की बोर्ड चाहिए अपने सेटअप के लिए दिस इज़ फाइन चल जाएगा काम आपका अगर हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करें सबसे बड़ा जो कॉम्पिशन है इस की बोर्ड का सिमिलर प्राइस रेंज में वो है कॉस्मिक बैट का आर्टमएस जी के ट्वेंटी थ्री सिक्सटी एट परसेंट वाला कीबोर्ड बिकॉज वो थोड़ा सा कीबोर्ड इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा कीज़ है नंबर ऑफ़ कीज़ उसमें डेडिकेटेड एरो कीज़ के साथ आता है तो उसमें ये एडवांटेज जरूर आ जाता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्मूद यूजेबिलिटी मिल जाएगी आपको बार बार फंक्शन की नहीं दबाना पड़ेगा एंड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसकी जो लाइटिंग ऑप्शन है ना लाइक जो सॉफ्टवेयर uh, सपोर्ट है लाइटिंग के लिए या फिर जो पर्या की जी इल्यूमिनेशन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है इसके मुकाबले देखा जाए तो लेकिन उस कीबोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ तक मुझे पता है वो कीबोर्ड सिर्फ ब्लू स्विचेस के साथ अवेलेबल है रेड स्विचेस का उसका अभी कोई वेरिएंट नहीं है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज देखो सिंपल सी बात है जो ब्लू स्विचेस है ना मैं जनरली प्रिफर नहीं करता मैं रिकमेंड भी नहीं करता मुझे हमेशा से रेड स्विचेस लीनियर स्विचेस पसंद है एंड मैं ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी वही करूंगा बिकॉज वो ज़्यादा एक आपको स्मूदर टाइपिंग एक्सपीरियंस और यूजेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं एंटी स्पोर्ट्स के साथ क्या यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज है कि दिस इज द ओनली 60% कीबोर्ड विद लीनियर स्विचेज़ जो अंडर 2200 या 2000 थाउजेंड के आसपास अवेलेबल है फिलहाल तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कीबोर्ड के साथ तो फाइनली अगर मैं चॉइस की बात करूँ तो आपके ऊपर आपके यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्राइमरी चीज चाहिए एडवांस लाइटिंग इन्फेशन नहीं करनी 1200 हंड्रेड मिनिनी मे बी आपको ज्यादा सूट करेगा दूसरी तरफ अगर आपको लाइटिंग चाहिए आपको अपने सेटअप के साथ अपने आरजीपी को अपने की को मैच करना है और आपको ब्लू स्विचेस से कोई परेशानी नहीं है जीके ट्वेंटी ज्यादा ऑप्शन अच्छा होगा जी ट्वेंटी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है कॉस्टिंग बैट की वेबसाइट में लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मार्केट्स में इधर उधर कहीं मिल जाएगा तो आपको अपने यूज को थोड़ा इवेल्युए करना पड़ेगा आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा मैं इसके बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता अगर इस की बोर्ड के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन वगैरह है तो आप जरूर हमें कमेंट से पूछ सकते हैं अगर आपको बाय करना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी कॉस्मिक की भी लिंक दे दूंगा अगर आपको वो चेक करना है ट्वेल्व हंड्रेड मिनी उसके बारे में बताओ मिनी भी एक ऑप्शन है अगर आपको ना थोड़ा ज्यादा सुपीरियर ऑप्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग एक्सपीरियंस लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद थोड़ा क्या बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने रहे मैं मिलूंगा आपको तो अगली तो बार तो टिल तो स तो बाय तो बाय तो